हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, अपनी आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि निफ्टी एक वापस से अपने रेसिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। मैं आपको रेसिस्टेंस जोन बना के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो अब हमारी निफ्टी के अंदर रणनीति क्या रहनी चाहिए, ठीक है? अब हम ये देखेंगे दोस्तों, निफ्टी के अंदर मैं आपके लिए लेवल्स बनाने वाला हूँ। इन लेवल्स के ब्रेक होने के बाद ही आप निफ्टी के अंदर ट्रेड करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम इसमें चेस कर सकते हैं। बट दोस्तों, निफ्टी के अंदर कुछ ऐसे लेवल्स भी हैं जो बहुत छोटे हैं, जिनमें आप सिर्फ एक छोटा सा स्केल्प ही कर पाओगे। बट ये जो हमारे लेवल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? चाहे छोटे हों चाहे बड़े। सॉरी, मैंने डिलीट कर दिया। जी दोस्तों, दोस्तों अगर निफ्टी कल इस अपने रेजिस्टेंस जोन का ब्रेक देता है ना, तो हमारा जो फर्स्ट छोटा सा स्केल्प टारगेट होगा वो हमारे लिए ये होने वाला है, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई कह सकते हैं जिसको दोस्तों हम, ठीक है? तो हम इसका वेट करेंगे कि हम अगर निफ्टी इस पर आता है तो अराउंड 50, 60, 70 पॉइंट्स का तो हमें टारगेट इजीली इसमें देखने को मिल जाएगा दोस्तों, जो कि आपका 79 पॉइंट्स का टारगेट होगा। बट दोस्तों, अगर इसका भी ब्रेक मिलता है ना आपको, तो जो आपका सेकेंड टारगेट है, सेकेंड टारगेट अराउंड आप दोस्तों 60,000 के लेवल का रखेंगे, ठीक है? और बड़ा सा मोमेंटम इसमें चेज करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपको इन मोमेंट निफ्टी का मोमेंटम में रहा और आपको ब्रेक देता है, तो इन दो टारगेट्स के लिए कल आप निफ्टी को ट्रेड करके चलेंगे। बट अगर हो सकता है दोस्तों मार्केट वापस से ऊपर जाके रिजेक्शन ले ले इस दिन की तरह है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों? हम हमेशा दोनों साइड के लिए प्रोबेबल मूव लेके चलते हैं, ठीक है? तो आप अगर निफ्टी नीचे की तरफ फॉल आपको देना चालू करता है ना अचानक से, तो इस लेवल के ब्रेक होने का वेट करेंगे आप, ठीक है? जो कि आपका 15,835 का है। इसके बाद ही आप निफ्टी के अंदर नेगेटिव होंगे, ठीक है? और सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो आप अपना रखेंगे वो अराउंड दिस लेवल का रखेंगे, 15,764, ठीक है दोस्तों? सेकंड टारगेट मैं आपको दोस्तों डाउन साइड नहीं दूंगा, क्योंकि मार्केट सारी मोमेंटम मतलब पॉजिटिव मोमेंटम में है, ठीक है? और आपको मोस्ट प्रोबेबली ऊपर की तरफ भी ब्रेकआउट मिलना चाहिए दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले इंडेक्स पे, जो कि है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में मैं दोस्तों आपके लिए पहले से ही लेवल्स बना के लेके आया हूँ, आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन के सामने दोस्तों, ये लेवल्स मैं पहले से ही बना के लेके आया हुआ हूँ, ठीक है दोस्तों? कल आप बैंक निफ्टी को इन लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे। ये लेवल थोड़ा सा गलत है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जी दोस्तों, कल आप बैंक निफ्टी को दोस्तों इन लेवल्स के लिए ट्रेड करेंगे और एक अच्छा मोमेंटम इसे ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी दोस्तों आप देख भी पा रहे होंगे कि बहुत अच्छे मोमेंटम में है पिछले कुछ दिनों से, ठीक है? तो आपको जो फर्स्ट टारगेट भी रहने वाला है ना, वो भी 434 पॉइंट्स का रहने वाला है, जो कि बहुत बड़ा टारगेट है, ठीक है? तो बैंक निफ्टी में आप अपना फर्स्ट टारगेट भी अगर इजिली ग्रैब कर लिया ना आपने, तो आपके लिए बहुत अच्छा अच्छी बात होगी और एक अच्छा टारगेट आप इसमें अचीव कर जाएंगे, ठीक है? तो दोस्तों इन लेवल्स को आप बैंक निफ्टी के लिए कॉपी कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारे एक दिन के नहीं, पूरे एक हफ्ते के लेवल्स मैंने आपको बना के दे रखे हैं। अगर इनमें कोई चेंज होगा तो मैं अपनी डेली की वीडियो जैसे लाता हूँ उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है? बट आप इन लेवल्स को पूरे हफ्ते के लिए अपनी स्क्रीन पर कॉपी कर लीजिए दोस्तों। अब आते हैं हमारी स्टॉक्स की लिस्ट पे। तो सबसे पहला है हमारा एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में आप दोस्तों देखेंगे तो एशियन पेंट्स मैंने आपको फ्राइडे को भी दिया था, ठीक है, कि ये अपने ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने आ रहा है ब्रेक करने के बाद, ठीक है? अब देखेंगे आप इसमें एक चीज, तो आप ये ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिल रही है ना? इस ट्रेंड लाइन में दोस्तों आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम, ब्रेक होते नहीं इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है, ठीक है? तो आप वेट करेंगे कि ये आप हमारी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे और आप इसके ब्रेक होते नहीं इसमें ट्रेड ले सकते हैं, जो कि आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, ठीक है? और आप इंट्राडे में अपना 1:2 का टारगेट दोस्तों इसमें इजिली ग्रैप करके चलिएगा और एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखिएगा दोस्तों। दोस्तों इसके बाद आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे, जो कि है कैडिला हेल्थ केयर। कैडिला हेल्थ केयर मैं आपके लिए पास क्यों लेके आया हूँ, मैं आपको वो बताना चाहूंगा, ठीक है? पहले हम इसमें देखेंगे दोस्तों, तो प्रीवियसली आप इसमें देखेंगे ना एक चीज, तो एक सेकेंड, ये देखिए, ये आप प्रीवियसली ना दोस्तों इस सपोर्ट जोन का बहुत अच्छा खासा मतलब क्या कहते हैं उसको, रिस्पेक्ट दे रहा है दोस्तों, ठीक है? इस सपोर्ट जोन की आप देखेंगे भी, मैं आपको ये देखिए, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली, यहाँ पे आपको एक काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न मिला, ठीक है? और यहीं से ही बार बार एक अच्छा पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम दे रहा है हमें, ठीक है?
अब इसमें हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए दोस्तों, आप इसमें एक चीज देखेंगे तो ये देखिए, इसमें आपको ना एक काइंड ऑफ जो स्टॉक है वो बना रहा है लोअर हाइज, लोअर लोज, सॉरी लोअर लोज बना रहा है ये, पर आपका जो RSI है वो हायर हाइज बना रहा है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर सपोर्ट जोन पे एक बुलिश मोमेंटम आता हुआ हमें दिख सकता है, ठीक है। तो हम इसमें वेट करेंगे दोस्तों, कल जैसे ही इसमें हमें एक अगर अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम दिखता है तो हम इसमें भी एक अच्छा खासा ट्रेड लेंगे और अपना स्टॉप लॉस अराउंड इस सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे रखेंगे यहाँ पे कहीं पे, और एक अच्छा खासा पॉजिटिव 1:2 का टारगेट तो हम इसमें इजिली अचीव कर सकते हैं दोस्तों। हो सकता है कि कल ये एक अच्छा खासा ये देखिए, हो सकता है दोस्तों आपको ये अच्छा खासा कल मोमेंटम देके यहां तक भी आ सकता है 629 तक, और एक आपको इंट्राडे में तो 1:2 से क्या 1:3 तक का भी टारगेट दे जाए। बट दोस्तों हमारा मैक्स टारगेट इंट्राडे के लिए 1:2 रहेगा, उससे ऊपर हम इसमें नहीं जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारे अगले स्टॉक पे जो कि कैनरा बैंक। कैनरा बैंक भी दोस्तों अपनी सपोर्ट जोन पे ही खड़ा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब इसमें हमारी आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सपोर्ट जोन पे दोस्तों मेरे को ना एक काइंड ऑफ पैटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है, वो मैं आपको दिखा देता हूं। एक सेकंड, दोस्तों ये एक हमारे काइंड ऑफ डब्लू पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है इसके अंदर, ठीक है। और डब्लू पैटर्न में आप देखेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने बना दी है, ठीक है, मैं इस ड्राइंग को हटा देता हूं जरा जी। तो दोस्तों कल आपको जैसे ही इस ड्राइंग का हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट मिले तो आप इसमें एक अच्छा खासा इंट्राडे के लिए तो बहुत पॉजिटिव मोमेंटम चेज कर सकते हैं, और आपको अच्छा टारगेट 1:2 मिनिमम, पहला फर्स्ट टारगेट आप इसमें 1:1.5 का रखेंगे, सेकंड टारगेट 1:2 का रख के आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और अपना जो आपका स्टॉप लॉस है, अगर आप इसमें थोड़ा सा स्विंग जाना चाहते हैं क्योंकि ये सपोर्ट जोन में स्विंग में भी आपको अच्छा टारगेट दे सकता है, तो आप अपना स्टॉप लॉस इस सपोर्ट जोन के जस्ट नीचे रखेंगे। बट अगर आप इंट्राडे ट्रेड करेंगे, MIS ऑर्डर लेंगे, तो आप अपना स्टॉप लॉस इस ब्रेक के बाद जब ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेगा उसके जस्ट नीचे रख सकते हैं, ठीक है। और एक अच्छा 1:1.5 या 1:2 का टारगेट आप इसमें इजिली ग्रैब कर जाएंगे दोस्तों। अब आते हैं हमारे आखिरी स्टॉक पे जो कि है ICICI बैंक। ICICI बैंक मैंने दोस्तों आपको पहले भी दिया था अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ICICI बैंक ने हमारे इस सपोर्ट जोन का ब्रेक दिया था, हमारे इस पैटर्न का, रेंज का एक ब्रेक दिया था, आप देखेंगे तो यहां पे देखिए, ये देखिए ये इस रेंज में घूम रहा था, ठीक है। अब आप इस रेंज में ना दोस्तों, यहाँ पे इसने ब्रेक दिया था तो मैंने आपको ये सपोर्ट जोन बना के दिया था और आपसे कहा था कि अगर ये सपोर्ट जोन को ब्रेक करेगा जब ही इसमें मैं दोस्तों नेगेटिव होऊंगा, उससे पहले नेगेटिव नहीं होऊंगा, ठीक है। तो आप ये देखिए, इसमें वापस एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया और वापस एक अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस टच करने आ गया। अब देखेंगे दोस्तों इस रेंज के हिसाब से ये वापस हमें एक नेगेटिव साइड का मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। बट आप एक इसमें चीज भी देखेंगे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे आके दिखाता हूं, पहले 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आएंगे दोस्तों हम, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आके आप देखेंगे दोस्तों इसमें, तो एक आपको चीज नोटिस हो रही होगी कि ये अपने एक ऑल टाइम हाई के नजदीक भी आ चुका है, ठीक है। और आपको जैसे ही कल इस ऑल टाइम हाई का ब्रेक मिलेगा तो आप इसमें एक बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी इजिली ग्रैब कर सकते हैं, ठीक है। और इंट्राडे का तो दोस्तों आपको पता ही है, अपना 1:2 का टारगेट मिनिमम 1:5 का लेके हम एग्जिट हो जाएंगे। बट अगर आपको इसमें स्विंग जाना है ना दोस्तों, तो आप इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेक रेजिस्टेंस जोन के दोस्तों ब्रेक होने का वेट करिएगा, ठीक है। और ब्रेक के बाद रीटेस्ट का एक कंफर्मेशन लीजिएगा दोस्तों, और जैसे ही कंफर्मेशन आपको मिलता है इसमें एक आपको बहुत अच्छा स्विंग ट्रेड भी और न्यू ऑल टाइम हाई आपको देखने को इसमें मिल सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के स्टॉक्स। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आती है और हमारी एनालिसिस आपको पसंद आती है, हमारे स्टॉक्स आपको डेली प्रॉफिट्स कमा के दे रहे हैं, तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।